हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 आईआईटीज के बारे में। पूरे भारत में आईआईटीज की बात की जाए तो टोटल 23 आईआईटीज हैं उसमें, और सारे बच्चे चाहते हैं कि आईआईटीज में वो पढ़ सके, लेकिन सारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रीमियर ऑटोनोमस पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो कि लोकेटेड है पूरे भारत में, और सिर्फ 23 आईआईटीज हैं, और इसमें सारे बच्चों की डिमांड होती है पढ़ने की। तो यहाँ पे काफ़ी कड़क कंपटीशन होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 आईआईटीज के नाम बताने वाला हूँ, जो कि एनआईआरएफ ने रैंकिंग की है। एनआरएफ क्या है तो मैं आपको बता दूँ, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो कि एमएचआरडी द्वारा लॉन्च किया गया है। 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, और उस समय से जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सारे को ये रैंकिंग करती है। तो आज हम लोग इसी के डेटा के हिसाब से चेक करेंगे कौन टॉप 10 आईआईटीज हैं, देन उसका कैंपस एरिया कितना है, टोटल सीट कितनी है, और क्या प्लेसमेंट गया है उनका, कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट है, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @PallavasuFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। 11th नंबर पोजीशन पे है जो वो है आपका आईआईटी बीएचयू, जो कि आईआईटी वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। इनके कैंपस की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और साथ में सोलर पैनल भी लगे हुए हैं इनके बिल्डिंग पे। बिल्डिंग काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, और जो मॉन्यूमेंट टाइप है उस टाइप का लग रहा है दिखने में। मैं भी यहाँ जा चुका हूँ, तो आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर से यहाँ जाना, क्योंकि इसका कैंपस इतना बड़ा है कि आपको मज़ा आ जाएगा। देन आईआईटी बीएचयू वाराणसी की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग में ये 11 नंबर पे है। एनआईआरएफ स्कोर 62.54 है। एस्टैब्लिश हुई थी ये 1990 में, 102 साल हो चुके हैं, और इसको 2012 में आईआईटी का दर्जा दिया गया। कैंपस एरिया की बात करें तो यहाँ पे 1300 एकर्स का कैंपस है। टोटल सीट की बात करें तो यूजी कैटेगरी में 4340 सीट्स हैं, पीजी कैटेगरी में 723 सीट्स हैं, डॉक्टरल कैटेगरी में 971 सीट्स हैं। तो टोटल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं हर साल। प्लेसमेंट की बात की जाए तो सीटीसी जो रेंजिंग करती है 64 लाख पर एनम से लेकर 11.5 लाख पर एनम। तो ये इनका ओवरऑल डेटा है आईआईटी वाराणसी बीएचयू का। देन 10th नंबर की बात करें तो 10th नंबर पे आपका आईआईटी इंदौर आता है। इसका भी बिल्डिंग काफ़ी हाईटेक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। आईआईटीज की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं बता दूं कि बहुत बड़ा कैंपस होता है, और काफ़ी अच्छे वहाँ पे माहौल होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और इनका जो बिल्डिंग होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की बात की जाए तो इनका एनआईआरएफ रैंकिंग 10 है। एनआईआरएफ स्कोर 62.88 है। इस्टैब्लिश हुई थी 2009 में, और 12 ईयर्स हो चुके हैं। कैंपस एरिया इनका 501.25 एकर्स में है। टोटल सीट यूजी कैटेगरी में 886 है, पीजी कैटेगरी में 157 है, डॉक्टरल प्रोग्राम में 383 सीट्स हैं। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो हाईएस्ट सीटीसी इनका 50 लाख पर एनएम 2020 में गया है, और एवरेज सीटीसी 22.9 लाख पर एनएम है। देन उसके बाद 8वें नंबर पे है, वो है आपका आईआईटी हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये भी काफ़ी अच्छा आईआईटी है। इसकी बिल्डिंग आप देख सकते हो काफ़ी हाईटेक और न्यू बिल्डिंग है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा है, और साथ में जो ग्रीनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है, पेड़ लगाए गए हैं। आईआईटी हैदराबाद की एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 8 नंबर पे आता है। एनआईआरएफ स्कोर 66.44 है। एस्टैब्लिश हुई थी 2008 में, तो 13 ईयर्स हुए हैं सिर्फ इसको, और कैंपस एरिया 576 एकर्स में इनका कैंपस है। टोटल सीट्स यूजी कैटेगरी में 1155 है, पीजी कैटेगरी में 635 है, डॉक्टरल कैटेगरी में 893 है। प्लेसमेंट हाईएस्ट सीटीसी इनका 60,41,000 पर एनम गया है, और एवरेज सीटीसी इनका 22,07 पर एनम गया है। उसके बाद नेक्स्ट आईआईटी जो है वो आपका आईआईटी गुवाहाटी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आपको देख सकते हो ग्रीनरी मिलेगी, यहाँ पे पेड़ काफ़ी अच्छे हैं, और जो बिल्डिंग है इनका स्लोप वाइज बनाया गया है, और काफ़ी बड़े एरिया में है, देख सकते हो आप, फोटो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, और ये 7th पोजीशन पर आता है एनआईआरएफ रैंकिंग में। आईआईटी गुवाहाटी एनआईआरएफ स्कोर की बात की जाए तो 74.90 है।
एस्टैब्लिश हुई थी 1994 में, तो 27 इयर्स हो चुके हैं इसको। कैंपस एरिया, कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, 703.95 एकर्स में है। टोटल सीट यूजी कैटेगरी के लिए 2630 है और पीजी के लिए 1222 है। डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 1965 है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट सीटीसी इनका 1.5 करोड़ पर एनम गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पैकेज मिला है, जो कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है। नेक्स्ट आईआईटी आपका है आईआईटी रुड़की, और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा सीनरी है यहाँ पे। आईआईटी रुड़की की बात की जाए तो एनआईआरएफ रैंकिंग में 6 पोजीशन पे है और एनआईआरएफ स्कोर इनका 76.29 है। एस्टैब्लिश हुई थी 1847 में, 174 ईयर्स हो चुके हैं, और कैंपस एरिया की बात की जाए तो 365 एकर्स का बड़ा कैंपस है, और टोटल सीट्स यूजी प्रोग्राम में 3598 है, पीजी प्रोग्राम में 2130 है और डॉक्टरल प्रोग्राम में 2292 है। हाईएस्ट सीटीसी इनका 80 लाख पर एनम गया है 2020 में करेंटली। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो है वो है आपका आईआईटी खड़गपुर, और ये भी काफ़ी अच्छा आईआईटी है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। आईआईटी खड़गपुर एनआरएफ रैंकिंग में 5वें पोजीशन पे है और एनआरएफ स्कोर इनका 80.56 है। एस्टैब्लिश हुई थी 1951 में, 70 ईयर्स हो चुके हैं। कैंपस एरिया इनका काफ़ी बड़ा है, 2150 एकर्स में है। टोटल सीट इनका यूजी कैटेगरी में 6210 है, पीजी कैटेगरी में 2769 है, डॉक्टरल प्रोग्राम में 2815 है, और इनका जो एवरेज सीटीसी है वो है 15 लाख पर एनम। नेक्स्ट आईआईटी जो है वो है आपका आईआईटी कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी काफ़ी पुराना आईआईटी है। आईआईटी कानपुर के एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो ये 4 है और एनआरएफ स्कोर इसका 82.18 है। 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी, 62 ईयर्स हो चुके हैं और इनका भी कैंपस काफ़ी बड़ा है, 2150 एकर्स का है। टोटल सीट्स यहाँ पे यूजी कैटेगरी के लिए 3686 है, पीजी कैटेगरी के लिए 1341 है और डॉक्टरल कैटेगरी के लिए 1389 है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट सीटीसी 1.47 करोड़ एमएनसी की तरफ से गया है, एमएनसी ने ले गया है, और साथ में हाईएस्ट सीटीसी 82 लाख पर एनम इंडियन कंपनी ने ऑफर किया है। उसके बाद नेक्स्ट आईआईटी है वो आपका आईआईटी बॉम्बे, ये भी काफ़ी अच्छा आईआईटी है और आईआईटी बॉम्बे मुंबई में लोकेटेड है, जो कि मुंबई में है। बिल्डिंग की बात करें तो हाईटेक बिल्डिंग है और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे एनआरएफ रैंकिंग में 3 पोजीशन पे है और एनआरएफ स्कोर में 85.08 है। 1958 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, 63 ईयर्स हो चुके हैं और कैंपस एरिया 550 एकर्स का है। टोटल सीट यहाँ पे यूजी कैटेगरी के लिए 4317 है, पीजी कैटेगरी के लिए 2859 है, डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 3083 है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट सीटीसी जो है इनका वो है 46.41 लाख पर एनम, जो कि क्वालकॉम की तरफ से दिया गया है 2020 में। देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे फेज वन का जो प्लेसमेंट हुआ था वो हाईएस्ट ऑफर फ्रॉम नेशनल एंड फॉरेन कंपनीज, यहाँ पे देख सकते हो एवरेज सीटीसी इनका 18.40 लाख पर एनम है, हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी पैकेज 64 लाख का है और हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी पैकेज यूरो 1.57 लाख का है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आईआईटी दिल्ली है, ये भी काफ़ी बड़ा कैंपस है और इसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है आप सभी को जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली एनआरएफ रैंकिंग में 2 पोजीशन पे है और एनआरएफ स्कोर में 88.08 है। एस्टैब्लिश हुई थी 1961 में, लगभग 61 ईयर्स हो चुके हैं और कैंपस एरिया इनका 325+25 एकर्स में है। टोटल सीट 3793 है और पीजी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 2141 सीट्स है, डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 2769 सीट्स अवेलेबल हैं। हाईएस्ट सीटीसी जो है इनका 1.54 करोड़ है पर एनम, जो कि इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया है। देन उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है आपका आईआईटी मद्रास, जो कि चेन्नई में है और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा सुंदर कैंपस है। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क भी है यहाँ पे, ये नंबर 1 पे आता है एनआरएफ रैंकिंग में और एनआरएफ स्कोर में 89.93 दिया गया है इनको। एस्टैब्लिश हुई थी 1959 में, 62 ईयर्स हो चुके हैं और कैंपस एरिया 620 एकर्स का है। टोटल सीट यहाँ पे यूजी कैटेगरी के लिए 3958 है, पीजी कैटेगरी के लिए 2493 है और डॉक्टरल कैटेगरी के लिए 2471 है। हाईएस्ट सीटीसी इनका 80 लाख पर एनम गया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
सो ये थे टॉप 10 IITs, एस्टैब्लिश कब हुई थी, कैंपस एरिया की साइज क्या है, टोटल सीट कितना है और कितना प्लेसमेंट हाईएस्ट गया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।